शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली। जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। क्या आप सच में मुझसे विवाह करेंगे? मैं सच में तुमसे विवाह करूंगा। आज राज दरबार में इसके अपराध का हम वो दंड देंगे जिसे संसार कभी भूल नहीं पाएगा। जमाता जी, ये आप अनुचित कर रहे हैं। आप अपने पिताश्री की इच्छा का मर्दन कर रहे हैं। उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि आपका विवाह मेरी पुत्रियों से हो। भैया मारुति, तुमने मुझे भागन का भाग्य सवार दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मेरी बहन को उसके आंचल में इतना सुख देना कि आंचल सदैव सुख से भरा रहे। बहन, मैंने अपना धर्म निभा दिया। भैया, तुम मेरे जीवन में सौभाग्य बनकर आए और कामना स्वरूप आपते के पत्ते को देकर मेरा जीवन कल्प कर दिया। बहन, तुमने एक अपरिचित के लिए साधारण से पत्ते को पूर्ण निष्ठा से ग्रहण किया। उससे आपती के पत्ते की महत्ता और बढ़ गई है। ये प्रथा बनेगी एक दूसरे को उपहार स्वरूप भेंट देने की, और साथ ही बनेगा विश्वास का प्रतीक। अब जाओ बहन, ले जाओ बहनोई जी को। मेरी बहन के आंचल को प्रसन्नता के फूल से भर देना। मैं भी आज्ञा चाहूंगा, मेरा दायित्व पूर्ण हो गया। पुत्र मारुति, काकी, आप यहाँ? अब क्या हुआ? हनुमान, तुमने मुझे नहीं पहचाना?
पहचाना आप काकी हैं। अपनी पुत्रियों को गौरांग बनाने हेतु लेप लेने वाली काकी। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप। मैं लघीमा सिद्धि हूँ। तुम जिस सिद्धि लोक की यात्रा पर सिद्धियों को साधने हेतु निकले हो, उसी यात्रा की मैं अंतिम सिद्धि लघीमा हूँ। माता, मैं कुछ समझा नहीं। यदि आप सिद्धि लघीमा हैं, तो वो सब क्या था? हनुमान, वो सब तुम्हारी परीक्षा के लिए रची गई माया थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम एक भाग्यहीन के भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हो अथवा नहीं, एवं तुम उस परीक्षा में सफल हुए। हनुमान, अब तुम्हारी समस्त परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं तथा तुम हम समस्त अष्ट सिद्धियों के साधक एवं स्वामी हो चुके हो। तुम शीघ्र ही इस सत्य से अवगत होगे। महाराज, चारुदत्त के दरबार में राजकुमारों के हत्या की आरोपी अंजना को उपस्थित किया जाए। हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे पास राजकुमारों के कटे हुए शीश कहां से आए? क्या हम इसे सत्य नहीं माने कि तुमने राजकुमारों की हत्या की, तत्पश्चात अपना अपराध छिपाने हेतु उनके शीश को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी? मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी यही कहती हूँ, मैंने राजकुमारों की हत्या नहीं की। इस समस्त संसार को साक्षी मानकर मैं हत्यारे नहीं हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। कह देने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता कि तुमने ये हत्या नहीं की है। यदि तुमने ये हत्या नहीं की तो तुम्हें प्रमाणित करना होगा, तुम्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। देवर्षि, माता अंजना पर तो संकट के ऐसे काले घने मेघ छाए हुए हैं कि छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब भला वो ये कैसे सिद्ध करेंगी कि राजकुमारों की हत्या उन्होंने नहीं की? नारायण नारायण, गंधर्वराज, राहु ने माता अंजना को अत्यंत भीषण जटिल परिस्थितियों में फंसा दिया है। लक्ष्मी धाम
लक्ष्मी लोक में कमलासन पे खड़ी माँ वैभव लक्ष्मी। लक्ष्मी लोक में तुम्हारा स्वागत है हनुमान। ये सब क्या माया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हनुमान, तुम जिन अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करने आए थे वो समस्त अष्ट सिद्धियों को तुमने सिद्ध कर लिया है, तथा तुम जिस मार्ग पर चल रहे थे वो अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के ही मार्ग थे। अद्भुत माया रची थी, मैं तो उन्हें अपने जीवन में घटने वाली वास्तविक घटना समझ रहा था। हनुमान, कोई भी साधारण प्राणी हमारी परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकता, किंतु तुम में विलक्षण गुण हैं। तुमने अपनी अपराजय इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, धैर्य, बुद्धि, विवेक एवं सतत प्रयास से अंततः हम सभी अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर लिया है। अतएव आज से हम समस्त सिद्धियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। सूर्य लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपका कल्याण हो हनुमान। स्त्री,
सैनिकों के प्रमाण और साक्ष्य के समक्ष तुम्हारी हर बात झूठ सिद्ध हो रही है और तुम्हारा अपराध सच साबित हो रहा है। अतः समस्त पक्षों को सुनने के बाद राजकुमारों की हत्या कर दोषी मैं तुम्हें पाता हूं। अतएव मैं तुम्हें दो अबोध बालकों की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड देता हूं। क्या होगा मुनिवर? नारायण नारायण, इस मृत्यु दंड को रोकने के लिए मुझे शीघ्र अति शीघ्र किसी भी प्रकार उन दोनों राजकुमारों को ढूंढना होगा तथा महाराज चारुदत्त के समक्ष उपस्थित करना होगा, अन्यथा माता अंजना के प्राण बचने के कोई आसार नहीं। परंतु वो दोनों राजकुमार है कहाँ और हम उन्हें प्राप्त कहाँ से करेंगे? स्वर में भटकते रहेंगे, मुझे घर जाना है भैया। मुझे अब चला भी नहीं जा रहा भैया, मुझे बहुत भय लग रहा है भैया, कुछ करो ना। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो आ जाओ। तुम साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे राजकुमार, कुछ नहीं, क्योंकि तुम इस समय राहु के माया जाल में फंस चुके हो। राहु ने तुम्हें दिग्भ्रमित कर रखा है और तब तक दिग्भ्रमित रहोगे जब तक राहु का प्रतिशोध पूर्ण नहीं हो जाता। जब तक अंजना को मृत्यु दंड प्राप्त नहीं हो जाता तब तक। हे विधाता, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे? अपने कर्तव्य को पूर्ण किए बिना ही मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या मुंह दिखाऊंगी ये लोक में, क्या लेकर जाऊंगी परलोक में? मेरे आंचल में ये निरर्थक और लांछित जीवन का बोझ क्यों दिया ऐसा जीवन मुझे विधाता, क्यों दिया मुझे ऐसा जीवन? सूर्य लोक से लौटकर मुझे ना पाकर मारुति अपने आप को कैसे संभालेगा? विधाता, पति को भी दुख देकर जा रही हूं और पुत्र को भी। हे महाराज केसरी, हे पुत्र मारुति, हे अंजन प्रदेश, मुझे क्षमा कर देना। Thank you.
सगैसी महाराज, ये आपने क्या दे दिया था मुझे? वही जो तुम्हारे पास से प्राप्त हुआ है। किंतु आपने तो मुझे श्रीफल दिए थे, न जाने कैसे वो राजकुमारों के कटे हुए शीश में परिवर्तित हो गए। सब माया है। श्रीफल का कटे हुए शीश में परिवर्तित होना माया है। अच्छा हुआ आप आ गए। आइए और बताइए राजा को कि ये सब माया है, कि मैं हत्यारी नहीं हूँ। मैंने उन राजकुमार की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। आइए बताइए। हाँ, वही तो सिद्ध करने आया हूँ मैं यहाँ। इस कारागार में Ha 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 ha